अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल ताहिर, आप देख रहे हैं व्यू ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूर जहान के मकबरे पे। नूर जहान जो हैं वो जहांगीर बादशाह की अहलिया थीं और सबसे पावरफुल मुग़ल एम्प्रेस थीं, और इनके भाई जो आसिफ ख़ान थे उनकी भी जो कब्र है वो मकबरा जहांगीर के साथ ही है। बेसिकली शाहदरा बाग के अंदर जो हैं ये सारे मोन्यूमेंट साथ ही थे, जिसमें नूर जहान, जहांगीर, आसिफ ख़ान और अकबर सराई ये सब एक साथ ही था। लेकिन ब्रिटिश एरा में इसको एक रेलवे लाइन बनाने के लिए कट ऑफ कर दिया था जहांगीर की टोम से, इसलिए अब ये थोड़ा सा अलग है उनसे, लेकिन ये सब शाहदरा बाग में एक साथ ही वाक़ थे। बाकी सारे मकबरों की तरह सिख रूल में इसमें इसकी भी काफ़ी डेसिक्रेशन हुई थी, और जो इसका रेड स्टोन और मार्बल था वो निकाल लिया गया था अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए। ये तो हो गया इसका ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। अब चल के ज़रा एक्चुअल मकबरे को भी देखते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है नूर जहान का मकबरा, और जो इसका रेड कलर है बाहर, बेसिकली यही इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर है, इसका रेड स्टोन। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे दीवारें वाइट, ये भी बाहर की तरह अंदर से भी रेड ही था, लेकिन ये सारा सिख एरा में इसको इसका रेड स्टोन निकाल लिया गया था। कहीं कहीं आपको हैंड पेंटेड टाइल्स नजर आएंगी। एक सैंड स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म आ चुका है, बहुत तेज आ चुकी है, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, आप देख सकते हैं। आप मेरे बालों की हालत से भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सैंड स्टॉर्म आ रहा है अभी। एक अच्छी बात हर मकबरे की यहाँ पे लाहौर में यह कि इसके साथ एक अच्छा गार्डन भी है वॉक करने के लिए, जॉगिंग के लिए या पिकनिक के लिए। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली दफ़ा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।